नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार 3 अप्रैल को बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सिब्बल ने दावा किया है कि 2014 से भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। इनमें से 23 को राहत मिल गई। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है, जिसमें वे भ्रष्ट नेताओं के जाते ही उन पर लगे दाग धुल जाते हैं। विपक्षी का कहना है कि बीजेपी में शामिल होने पर नेताओं पर दर्ज भ्रष्टाचार के केस बंद हो जा रहे हैं। दरअसल कपिल सिब्बल की तरफ से एक खबर के जरिए ये दावा किया गया है कि विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का राजनीतिक विमर्श है भ्रष्टाचार, फिर भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई का सामना करने वाले 25 प्रमुख नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये नेता कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दलों को छोड़कर आए हैं। इससे सबसे ज्यादा कांग्रेस के 10 नेता रहे जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस थे, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। दूसरे नंबर पर एनसीपी और शिवसेना है, जिसके 4 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। साथ ही तृणमूल कांग्रेस के 3, टीडीपी से 2 और समाजवादी पार्टी और वाईएसआरसीपी से 1-1 नेता बीजेपी में शामिल हुए। इन 23 नेताओं में से 3 पर केस बंद कर दिए गए, जबकि 20 अन्य लोगों पर दर्ज मुकदमे ठंड बस्ते में चले गए हैं। बता दें कि 25 नेताओं में से 6 नेता लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। इन नेताओं पर जांच एजेंसी की कार्रवाई ठंडी पड़ गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2014 में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की सरकार बनने के बाद ईडी और सीबीआई का एक्शन बढ़ गया। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई का सामना करने वाले 95% नेता विपक्ष थे। यही वजह है कि विपक्ष बीजेपी वॉशिंग मशीन कह रहा है, जिसमें जाने के बाद भ्रष्ट नेताओं का दाग धुल जा रहे हैं। बता दें कि कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी में शामिल होते ही भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ केस बंद हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एनबीसी भारत पर। नमस्कार।